सुन सुन सुन। अंदर वॉशरूम में ना एक बंदा बैठ के बीड़ी मार रहा है और वीडियो कॉल पे लड़की से बात कर रहा है और कह रहा है ना खाना खा लो। अबे तू आगरा है भाई, तू आगरा है। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अपन की गाड़ी पूरी रेडी है, सामान पूरा रख दिया है। अगर मैं दिखाऊँ तो गाड़ी मेरे सामान से ही पूरी पूरी पैक्ड है। तो फिलहाल यहाँ पे अपना कैमरा का इक्विपमेंट है क्योंकि रात में अपन ये यूज़ करने वाले हैं। दिन के टाइम पे गोप्रो से रिकॉर्ड करेंगे। एक गोप्रो वहाँ पे माउंट करना है, वो तीसरा गोप्रो एक्चुअली इसके अंदर है, तो अभी उसको माउंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज रात में एनीवेज गोप्रो से अच्छा फुटेजेस आएगा नहीं। तो ये अपना फर्स्ट फ्रंट सीट, ये अपनी सेकंड सीट। तो यहाँ पे खाने का सामान, नीचे बहुत सारा चार्ज, यहाँ पे मेरे दोनों बैग, वो कैमरा बैग, ये नॉर्मल ड्रोन, ये अपना बिस्तर। और अब आ जाते हैं अगर हम पीछे, तो यहाँ पे अपना सारा, मेरा दोनों बैग एक्चुअली, ये पहला बैग, ये दूसरा बैग, और यहाँ पे मेरे जैकेट्स। तो गाड़ी मेरी सेट है, मनी का वेट हो रहा है। और ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड है बूडमो से। तो ये पूरा स्पिति सीरीज़ बूडमो हैज़ बीन सपोर्टिंग अस, एंड बूडमो ने हमें इस ट्रिप के लिए सपोर्ट किया, इस ट्रिप को स्पॉन्सर किया। तो थैंक यू सो मच बूडमो। जिनको बूडमो के बारे में नहीं पता, तो दे आर द स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। अगर आपको अपनी गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप बूडमो के साइट पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। इनका एंड्रॉयड और iOS के लिए ऐप है, वहाँ पे जाके गाड़ी का कोई भी मॉडल, कोई भी मेक, आप गाड़ी सेलेक्ट करो, वो स्पेयर पार्ट सेलेक्ट करो, एंड यू कैन ऑर्डर दैट। तो थैंक यू बूडमो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप। फिलहाल अपन वेट कर रहे हैं मनी का। रात होने वाली है, एक्चुअली शाम होगी है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे से पहले सोचा था निकल जाएंगे, बट देन आप जो प्लान करते हो कभी वैसा होता नहीं। तो चलो अभी कैमरा वैमरा सेटअप कर लेते हैं और भाई का वेट करते हैं। चले शुरू करें फिर। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम हिमाचल जा रहे हैं और हम NH8 पे हैं। और NH8 पे आई थिंक ये आगे 14 किलोमीटर के बाद दिल्ली अजमेर रोड में 14 किलोमीटर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आई थिंक आगे जाके हम KMP पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें 65 रुपीज का टोल और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। भैया हाथ तो ऐसे दिए, पता नहीं जैसे, पता नहीं क्या ही। तो अपन को शायद थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट विच इज स्टिल गोइंग ऑन, हमें शायद ये रूट गूगल सजेस्ट करे। और हम गूगल को तो भैया आँख बंद करके विश्वास करते हैं, गूगल पे कभी कभी जला देती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पहुँचा देती है। भाई मेरे को दिख गया KFC, चिकन खाने निकले, चिकन खाएंगे क्योंकि पहाड़ी चिकन से पहले दिस शहरी चिकन खा लेते हैं। बगल में बीकानेर वाला भी है। हाँ, तुम वहां जाओ, अपन यहाँ जाएंगे। भाई अंदर एक बंदा बैठ के, मनी सुन सुन सुन। अंदर वॉशरूम में ना एक बंदा बैठ के बीड़ी मार रहा है और वीडियो कॉल पे लड़की से बात कर रहा है और कह रहा है ना खाना खा लो। अबे तू आगरा है भाई, तू आगरा है। सामान ले आओ, खा लो। गजब आज की चल रहा है भाई, दुनिया गजब हो गई भाई। तो अब यहाँ से अच्छा नहीं रहा यार दिस KFC, मतलब मैं तो कभी नहीं आऊंगा, पूरा ठंडा बर्गर। बट ठीक है यार, अभी ट्रिप स्टार्टिंग, इतना क्रिप नहीं करते, तो अभी गाड़ी में चलते हैं, बढ़ाते हैं गाड़ी को आगे। कॉफी चाय पियोगे? आगे पियेंगे भाई, यहाँ पे ना यहाँ नहीं खाएंगे, ये साला बेकार है। सो जी 74 किलोमीटर तक हमें इसी वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे रहना है। सो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर लिया हमने और टाइम अभी हो रहा है 9:30। मनी को बोला कि प्लीज एक नींद मार ले।
वेस्टर्न एक्सप्रेस वे को, वेस्टर्न एक्सप्रेस नहीं वो मुंबई में, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड को एग्जिट करके हम वापस से मिल गए हैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रोड पे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन और बहुत ज़्यादा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा क्योंकि हर बार ही चलता रहता है। तो अपनी स्पीड क्रूज से ना वापस से फोर्थ फिफ्थ गियर पे शिफ्ट होने वाली है। अभी मूर्थल पे तो रुकने का प्लान नहीं है क्योंकि हर बार जब भी हम इस रूट पे जाते हैं तो मूर्थल पे अमृत सुखदेव ढाबे पे रुकते हैं, बट क्योंकि हमने पहले से थोड़ा सा खा लिया तो अब आगे कहीं रुकेंगे। मनी अभी फिलहाल नींद मारने गया है तो अभी उसको जगाएंगे एक दो घंटे बाद। तब तक चलो आगे बढ़ते हैं, इन ट्रकों के बीच से नागिन बन के निकलते हैं। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो क्या भाई, इतना तो खाली, अब कहाँ इधर चढ़ जाओ। तो मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो सारा रोड ब्लॉक है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा बॉटलनेक हो रहा है और इस प्रोटेस्ट को बहुत बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट चालू है। तो आई होप कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए, जो जिसको चाहिए सबको मिल जाए, सब खुश रहें और हम आगे चलते रहें। क्योंकि रोड का एक्सपेंशन का जो काम चल रहा है ना उसके वजह से ना ये रोड काफी सालों से ऐसे ही पड़े हुए एंड अभी तक अपने को इस रोड पे एक भी टोल नहीं देना पड़ा है। यहाँ पे एक रुक गए बिकॉज मनी सो रहा था। और क्या पता है क्या होता है, अकेले आप गाड़ी चलाओ ना और अगर बंदा सो रहा हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो भाई उसको सोने देते हैं और मैंने सोचा यहाँ पे उतर के कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स ले लिया जाए। और अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने एक फ़ोन लिया है और ये पूरा का पूरा व्लॉग ना अभी मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई पीछे अपना सो रहा है, हाँ भाई के चेहरे पे, हाँ फुल फोकस, 100 रुपए में फुल मजा। ये एग्जैक्टली वही वॉल्वो है ना जब लास्ट टाइम हम लाहौल जा रहे थे मनाली की तरफ, तो ये सेम टाइम पे ये वाली वॉल्वो नॉर्दर्न बस। भाई साहब के क्या भाई साहब, इसने तो एक्सीलेटर पे ना पूरा पत्थर रखा हुआ है। अगर इसके पीछे लग जाओ ना तो चंडीगढ़ तो जो 3-4 घंटे लगते हैं ना वो मतलब 2-3 घंटे में तो आधा टाइम तो जरूर कम कर देगा ये। अंबाला में अपने को विंडो शेड्स हटाने पड़ेंगे क्योंकि चंडीगढ़ में जीरकपुर के पास ना गाड़ी रोकी जाएगी, स्पेशली दिल्ली और HR 26 विच इज गुड़गांव नंबर की गाड़ियाँ तो देख के रोकते हैं। तो लेट्स सी, हर बार रोका है, इस बार पता नहीं रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। यार रोको, रोशनी काफी है, रोशनी नहीं, लड़की रोशनी नहीं, ट्यूब लाइट वही रोशनी। रोका भी तो ऐसे जगह जहाँ अंधेरा है, हाथ कर दिया ना, अभी आगे रोक रहा हूँ, अंधेरे से होके रोशनी की तरफ जा रहे ना यार। भाई 250 किलोमीटर से ऊपर खींच लिया हम लोग। अरे वाह क्या बात है, तावड़ तोड़ खींचे हो तो। तावड़ तोड़, आ जाओ चाय पीते हैं। तो अभी अपना ढाबा पे रुके और सोचा यहाँ पे स्ट्रेच कर लिया जाए। काफी देर से चलाते चलाते ना सीरियसली पैर वैर अकड़ गए थे यार, अब मरी भी उठ गया है तो थोड़ा बात करेंगे। इतने सारे ट्रक है कहाँ से आदमी ब्लॉक करेगा, जब भी कुछ बोलो ट्रक आ जाता है। पीछे का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये हमारे पीछे का सीट अभी कैमरा आगे कर दिया है। मनी अब थोड़ी देर ड्राइव करेगा और मैं हल्का नींद लूंगा। हम पहुंच चुके हैं पंचकुला और यहाँ पे ना हमें एक सरप्राइज मिला एंड दिस इज द सरप्राइज। सो एक्चुअली योर नेम हिमांशु एंड ओमकेश। तो हिमांशु एंड ओमकेश दोनों वेट कर रहे थे, काफी देर से वेट कर रहे थे। सो ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं और पंचकुला से निकल के अपन 10 किलोमीटर में पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। अमेजिंग वाला वेदर, 18 डिग्री के बाहर हमने फाइनली जैकेट निकाल ही लिया क्योंकि जैकेट के बिना ना बाहर बहुत ठंड लग रही थी। तो अब मैं आगे वाली सीट पे आ गया हूँ, नींद तो हुई नहीं तो मैंने कहा भाई नज़ारे क्यों मिस करने, 10 किलोमीटर में पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, यही तो देखने आ रहे हैं।
सो इट्स 5:30 और शिमला क्रॉस कर लिया है. मैं तो एक्चुअली सो रहा था तो एक डेढ़ घंटे आई थिंक आई स्लेप्ट. और मनी ने गाड़ी अभी यहाँ पे लगा दिया है साइड में, रोड के साइड में. काफ़ी अंधेरा है यार, सामने से अगर गाड़ी आ रही है, रोड एक्चुअली इस साइड है. और पार्किंग लाइट ऑन कर दी है और यहाँ पे मेरा बिस्तर, यहाँ पे भाई का बिस्तर. भाई दिख नहीं रहा, चलो ये वाला लाइट ऑन करते रुको. अच्छा हाँ, तो कैसा लगा मनी शिमला क्रॉस करके? शिमला क्रॉस कर लिया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम आ गया. हाँ, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है भाई. टाइम फुल लेके निकले हैं, 100 रुपए में फुल आग. दिल्ली से नहीं, एक माचिस से पूरे दुनिया को आग लगा. हाँ, देखना कितना किलोमीटर हमने अभी तक कवर किया. 460 कवर कर लिया ना. देखिए तो हमने यहाँ पे पर्दा वर्दा लगा दिया है, कतई जहर, एकदम जहर बना दिया है. मनी भाई अपना पीछे है और पीछे जाके सो रहा है. मैं थोड़ी देर सो गया था, अभी आंखों में पानी मार रहा है. आंखों में पानी क्या मारा है, फेस धोया है. और घर से हमने कवर कर लिया है 460 किलोमीटर. शिमला क्रॉस करके नारकंदा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. नारकंदा, कुफरी, रामपुर और फिर अपन एंटर होंगे रेकोंगपी और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में. तो अभी जो ये रास्ता है ना यार, बहुत अमेजिंग होने वाला है. सुबह के 5:42, 460 किलोमीटर कवर्ड, 250 किलोमीटर स्टिल टू गो. बट ये जो 250 किलोमीटर है ना भाई, मजेदार होने वाले, क्योंकि नजारे बदल जाएंगे. गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, थोड़ी दूरी चले थे, बिकॉज यहाँ से जो सनराइज का नज़ारा है ना गाइज, जो सनराइज का नज़ारा है, देखो सन जस्ट निकल रहा है. मतलब हो फोकस, जस्ट लुक एट इट गाइज, जस्ट लुक एट इट, इज सो ब्यूटिफुल, सो डैम ब्यूटिफुल. बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत. एंड ये नज़ारा अगर मिस कर देता ना यार, तो बेकार हो जाता यहाँ आना. मेरे हाथ शिवर हो रहे हैं, मतलब ठंड है यार, बहुत ठंड है. एक पतला सा जैकेट पहन के ये नज़ारा कैप्चर करने रुक गया हूँ. आई होप आपको उतना ही अच्छा लग रहा हो जितना मेरे को लग रहा है.